टी नाम वालों का 2020 का संपूर्ण फलादेश। तो नमस्कार मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ब्रिस स्पेशल में। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं पूरे विस्तार से टी नाम वालों के 2020 के संपूर्ण भविष्यवाणी के बारे में। तो वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप कहीं भी ना करें। और अगर आप जन्म कुंडली के बारे में, हस्तरेखा के बारे में या फिर आपके लाइफ में कहीं कोई दिक्कत हो उसके समाधान के लिए अगर आप मुझसे बात करना चाहते हो तो आपके सामने मेरा नंबर लिखा हुआ है। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप कर लें, कॉल बिल्कुल भी ना करें। अगर आप व्हाट्सएप करते हो तो आपकी बात मुझसे हो पाएगी और अगर आप कॉल करते हो तो आपकी बात मुझसे नहीं हो पाएगी। और अगर मैं आपकी हेल्प करता हूँ तो आपको पहले फीस जमा करने पड़ेंगे, यानी कि आपको चार्ज देने पड़ेंगे। तो आप व्हाट्सएप कर लो और सारी जानकारी आप वहाँ से प्राप्त कर सकते हो। तो आइए आगे बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे पहला है आपका धन संपत्ति। तो धन संपत्ति के लिहाज से ये वर्ष आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतर है, शानदार है, लाजवाब है। इस वर्ष में धन का स्वामी गोचर आपके लाभ के घर में बैठा हुआ है, जिसके वजह से आपके लिए इस वर्ष में अर्निंग काफ़ी अच्छी होने वाली है। परंतु यह अर्निंग पूरे वर्ष नहीं होगा, साल का आखिरी का 3 महीना आपके लिए अच्छा नहीं देगा। और उन 3 महीनों के दौरान यानी कि अक्टूबर के बाद धन खुद से खर्च होना शुरू हो जाएगा और जो पैसा आप कमाए रहेंगे वो पैसा आखिरी के 3 महीनों में हानि में चला जाएगा। तो आप प्रयास ये करें कि इस वर्ष में आपका फालतू खर्च ना हो और अगर पॉसिबल हो पाए तो आप साल के आखिरी के 3 महीनों के दौरान आप किसी भी इंसान को कर्ज ना दें। अगर आप कर्ज देते हो तो वो पैसा वसूलने में आपको बहुत दिक्कत आएगा। वैसे इस वर्ष में आपके पास धन के नए नए स्रोत आएंगे, यानी कि आपको धन हर एक मामलों से आने वाला है। दोस्तों अब है आपका नौकरी यानी कि आपका जॉब। तो जॉब के लिहाज से ये वर्ष सीमित रहेगा। जो कुछ आपने सोच रखा होगा इस वर्ष में वही होगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं होने वाला है। जो कुछ भी आपने पहले से अपना लक्ष्य निर्धारित कर रखा होगा इस वर्ष आप अपने लक्ष्य तक पहुंच जाएंगे, लेकिन लक्ष्य से आप आगे नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मार्च, अप्रैल, जून, जुलाई और अक्टूबर, नवंबर ये कुछ महीने आपके लिए अच्छे नहीं रहेंगे। तो अगर पॉसिबल हो पाए तो इन महीनों में आप सावधान रहें और कोई भी काम करते हो अगर तो उसमें आप लापरवाही ना बरतें। इस वर्ष में अपने अहंकार पर, अपने घमंड पर आप काबू रखें। ऐसा ना हो कि आप घमंड के काबू में चले जाएं। अगर ऐसा होता है तो फिर वहां से आपका पतन शुरू हो जाएगा। दोस्तों अगर आप बेरोजगार हो, आपके पास नौकरी नहीं है, तो इस वर्ष में आपको जॉब के लिए थोड़ा बहुत वेट करना पड़ेगा। जॉब आपकी जल्दी नहीं लगने वाली है, उसमें थोड़ा विलंब अवश्य होगा। मित्रों अब है आपका स्वास्थ्य। तो स्वास्थ्य के लिहाज से ये वर्ष आपके लिए अच्छा नहीं रहने वाला है। इस वर्ष में आप बीमार ज़्यादा रहेंगे और अगर हो सकता है तो इस वर्ष यानी कि 2020 में आपको ब्रेन से संबंधित कुछ समस्याओं का सामना करना पड़े। अगर ऐसा कुछ होने वाला हो या आपको कोई क्लू दिखाई दे कि ऐसा हो रहा है तो आप बिना देर किए डॉक्टर से मिलें और अपना इलाज करवाएं। इस वर्ष में आपके अंदर चिड़चिड़ाहट बहुत रहेगा, यानी कि गुस्सा बहुत रहेगा। आप इस वर्ष में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा बहुत अधिक करना शुरू कर देंगे। वैसे अगर आप स्वास्थ्य के प्रति लापरवाह नहीं रहते हैं फिर आपका स्वास्थ्य सही रहेगा, और अगर आप लापरवाही करते हैं फिर आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। अब है आपका प्रेम संबंध। तो प्रेम संबंध के लिहाज से ये वर्ष आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा है, लाजवाब है। इस वर्ष में अगर आप प्रेम विवाह करना चाहते हो तो आप वो कर सकते हो, और अगर आप प्रेम संबंध की शुरुआत करना चाहो तो आप वो भी शुरू कर सकते हो। और अगर आप प्रेम संबंध के अंदर मधुरता, विनम्रता और गहराई प्राप्त करना चाहते हो तो इस वर्ष में आप ये सब भी प्राप्त कर सकते हो। लेकिन अगर आप अपने प्रेमी को धोखा देते हो तो ये फिर आपके लिए और आपके प्रेम संबंध के लिए अच्छा नहीं रहेगा और फिर आपको दिक्कत झेलनी पड़ सकती है। तो मित्रों यही था टी नाम वालों का 2020 का संपूर्ण फलादेश।
तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी ये नई वीडियो अच्छी लगी होगी। तो कृपया इस वीडियो को आप लाइक कर दें और सब्सक्राइब ध्यान से कर लें। तो हम सब मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय मैया पार्वती।